में कुतुब मीनार के पास एक पार्क में यहाँ पे संजीव सर आए हुए थे कुछ लोगों से, कुछ स्टूडेंटों से मिलने यहाँ लाडो सराय, और ये अगले प्रोटेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि संजीव सर से जानना चाहेंगे कि अगला प्रोटेस्ट का डेट और तारीख कब से स्टार्ट करेंगे और इनकी आगे की क्या क्या स्ट्रेटजी है। संजीव सर कुछ बताइए कि आगे की क्या क्या स्ट्रेटजी है। और साथियों, मैं संजीव, मैं आज यहाँ पे कुतुब मीनार के पास एक पार्क है, संजय वन पार्क है, उसमें मैं आया हुआ हूँ। ये अनिल सर आज बुलाए थे मुझे, अनिल चौरसिया सर, ये बोले कि कुछ यहाँ बच्चे हैं, वो मतलब प्रोटेस्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो प्रोटेस्ट भी कराते हैं इस तरह के, तो उन्हीं से मिलाने के लिए मुझे बुलाया अनिल चौरसिया सर ने। तो मैं आ गया, उनसे भी मुलाकात हुई अभी, ये बोले कि वो जल्दी में थे तो अब चले गए वो, तो आप लोग मैं वीडियो पे दिखा नहीं पाया, वो थोड़े जल्दी में थे, बस फटाफट वो डिस्कशन हुआ उनसे, वो लोग क्योंकि वो प्रोटेस्ट कराने में उन लोगों को ज़्यादा मन लगता है, उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो लोग, और कराते भी हैं वो, कुछ बच्चों का ग्रुप है और भी बच्चे वो मोबिलाइज कराते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आया था, तो वही बात हुई, डिस्कशन हुई, और इस पार्क में बैठा हुआ था, थोड़ा पार्क भी घूमना था। ये जो संजय वन पार्क है, डाइवर्सिटी पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसी में घूमने में आ गया था, और मैं थोड़ा पार्क भी घूम लिया, थोड़ा नेचुरल ब्यूटी भी, थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी के बीच में, नेचर के लैप में, और ये उन लोगों से कुछ मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई, जो प्रोटेस्ट में जो इंटरेस्टेड है, जो प्रोटेस्ट कराते हैं जो लोग, तो वही बस यही है। और ये मैं सोच रहा हूँ कि लोग अभी फिलहाल अभी पेपर में बिजी हैं, 12 तक बालकों को उनका UPPCS का पेपर है, सभी किसी का सभी उसी में अभी बिजी हैं, 12 तारीख का जो UPPCS का पेपर है। तो सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि 12 के बाद से कुछ फिर मैं प्लान कुछ कंटिन्यू करूँ, कुछ प्रोटेस्ट करूँ, कुछ जो भी इंडिविजुअल करूँ या ग्रुप में करूँ या जितने लोगों के साथ करूँ, देख रहा हूँ, अभी डिसाइड कर रहा हूँ, वही सब थोड़ी बहुत रणनीति प्लानिंग थोड़ी चल रही थी। तो सर 13 तारीख से करना चाहेंगे, 13-14 से? हाँ, 12 के बाद 13-14 से देखता हूँ स्टार्ट करूँगा, अभी तो बात हुई है, डिस्कशन थोड़ी बहुत हुई है जो भी, और बाकी यहाँ बच्चों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, जो बच्चों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, वो लोग मतलब जो भी आए थे वो तो चले गए, उनसे बात हुई थी, 6-7 बच्चों का ग्रुप था तो वो अपने आए थे, वो उनसे बात हुई, बोले कि वो भी इंटरेस्टेड है, बोले कि हमने ठीक है, हम भी आपको ज्वाइन कर लेंगे, अगर ऐसा हुआ जैसा होगा आप बुला लेना मुझे, तो वही बस देखिए साथियों, फिर 12 के बाद फिर बताएंगे क्या करते हैं। और सर अभी आजकल आप ट्वीट कराने में लगे हुए हैं, तो कितने MP से लगभग ट्वीट अभी तक हो चुका है? नहीं, वो तो ट्वीट हो चुका है, 90-100 जितने भी थे, 90-100 तक, वो तो काफी पुराना प्रोसेस, अभी नहीं हो रहा है वो ट्वीट वाला प्रोसेस, अब हो गया, ट्वीट बहुत हो चुके, अब ट्वीट की जरूरत नहीं है, अब थोड़ा ग्राउंड पे प्रोटेस्ट की जरूरत है, ग्राउंड पे कुछ दिखाने के लिए कि लोगों को ऑब्जर्व हो, मीडिया को ऑब्जर्व हो, सरकार को दिखे, लोगों को मेन दिखाना है आपको प्रोटेस्ट में, ग्राउंड पे करके दिखाकर। अगर मान लीजिए जो मुखर्जी नगर और करोल बाग या जो भी UPSC मुखर्जी नगर में ये थोड़ा सा हो गया कि वो काफी अंदर में हो गया था, अगर वही थोड़ा सा जैसे करोल बाग है, एक सेंटर दिल्ली में पड़ता है, मुखर्जी नगर थोड़ा सा वो ईस्टर्न दिल्ली में थोड़ा साइड में अंदर की तरफ हो जाता है, इसके वजह से उतना वो हाईलाइट पब्लिक के नजर में नहीं गया। अगर करोल बाग में आप करते हैं या सेंट्रल दिल्ली में कुछ करते हैं इस तरह का प्रोटेस्ट, तो या कहीं और भी CP में या कहीं और किसी ऑफिस के सामने, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसका असर तुरंत होगा, सरकार पे भी असर होगा और मीडिया भी कवर जल्दी जल्दी करेगी, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में मीडिया कोई ना कोई मीडिया पर्सन, रिपोर्टर, कॉरेस्पोंडेंट, कोई ना कोई चैनल वाले घूमते रहते हैं आप, तो अगर इधर किया जाए सेंट्रल दिल्ली साइड तो वो ज्यादा बेहतर होगा, अगर उधर प्रोटेस्ट किया जाए कहीं, तो देखते हैं 12 के बाद क्या, 13-14 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, कुछ करते हैं, कुछ करेंगे जरूर, अभी तो रणनीति बनाते हैं, इतने दिनों में कुछ करते हैं, अभी टाइम है, उसमें प्लानिंग कुछ क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या नए नए आइडियाज, नए नए कुछ भी इनोवेटिव प्लान्स, आइडियाज इस तरह के आपको सोच रहा हूँ, अभी कुछ कुछ बात तो हुई है लोगों से, बाकी फिर 12-13 के बाद देखते हैं क्या करते हैं, बताऊंगा। तो ये रहा संजीव सर की तरफ से अपडेट, इनका मानना है कि 12